देश में पहली बार मोदी सरकार बनने के बाद आरएसएस ने जहां अपनी शाखाओं में इजाफा किया, तो वहीं अब दूसरी बार सत्ता में आने के बाद आरएसएस अपना पहला आर्मी स्कूल खोलने जा रहा है। इस स्कूल में सशस्त्र बलों में शामिल होने के इच्छुक बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन ये स्कूल शुरू होने से पहले ही सवालों के घेरे में आ गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में नौजवानों को हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़ने की सीख दी जाती है कि युवा कैसे हिंदुस्तान में रहकर हिंदूवादी सोच से जुड़े, इसके गुर सिखाए जाते हैं। इन शाखाओं को लेकर अक्सर सवाल भी उठते रहे हैं। विरोधी हमेशा इसे देश को बांटने वाली विचारधारा बताते हैं, लेकिन अब तो आरएसएस ने अपना आर्मी स्कूल भी खोलने की तैयारी कर ली है, जिसे लेकर सवालों का दौर शुरू होना तय है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बुलंदशहर जिले में आरएसएस के सरसंचालक रज्जू भैया के नाम पर स्कूल का नाम रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर रखा जाएगा, जिसमें अगले साल अप्रैल से सशस्त्र बलों में शामिल होने के इच्छुक बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूल में छठी से लेकर बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को CBSE का सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा। शिक्षा संस्था के संयोजक अजय गोयल का कहना है कि देश में सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं में अधिकारियों की कमी है, जिसकी वजह से अधिकांश युवा सैन्य अधिकारी बनने के मानदंड को पास नहीं कर पाते, लेकिन हम छात्रों को आर्मी की ट्रेनिंग देकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे। आरएसएस शुरू से ही स्कूलों में सैन्य शिक्षा की वकालत करता रहा है। आपको बता दें कि 1937 में आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के गुरु BS मुंजे ने नासिक के भोसले मिलिट्री स्कूल की स्थापना की थी, जिसके कार्यक्रमों में आरएसएस के नेता हिस्सा लेते हैं, लेकिन संगठन इसे चलाने में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ। मगर अब आरएसएस 40 करोड़ रुपए की लागत से खुद का आर्मी स्कूल खोलने जा रहा है। स्कूल की शुरुआत को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये आर्मी की ट्रेनिंग के लिए है या फिर छात्रों पर हिंदूवादी एजेंडा थोपने के लिए। क्या छात्र देश की सुरक्षा के लिए लड़ना सीखेंगे या फिर विचारधारा के लिए लड़ेंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।